हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं जितेंद्र यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, फाउंडर एंड डायरेक्टर आइडियल कंपटीशन एकेडमी। दोस्त, दो तीन दिनों से हम ऑनलाइन नहीं आए थे, वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं किया था। एक न्यूज़ ये भी है कि अपनी जो ब्रांच अभी जो थी पांडेपुर बनारस में आइडियल कंपटीशन एकेडमी, दूसरी ब्रांच अपनी लंका बेचू गेट के पास भी ओपन हुई है, चित्तूपुर गेट के पास। जस्ट उसका एड्रेस मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे आप ट्रामा सेंटर की जहाँ पे बाउंड्री एंड हो रही है, वहीं पे अपनी ये ब्रांच है, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन पढ़ रहे थे। मेंसुरेशन में 2D के हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे और आज 2D में हमें रोम्बस पढ़ना है, ठीक। तो चलिए रोम्बस स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है दोस्त? ये रोम्बस जो होता है, ये क्या होता है? समचतुर्भुज होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? हम समचतुर्भुज बोलते हैं, ठीक। किस तरीके का यह चतुर्भुज होता है क्लास? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? आपस में क्या हों? बराबर हों। चारों साइड ही आपस में क्या होती हैं इसकी? बराबर। AB बराबर में क्या होगा? BC बराबर में क्या होगा? CD बराबर में क्या होगा? DA होगा, ठीक है। चारों साइड्स बराबर होगी और भुजाएं पैरेलल होती हैं। साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? साइड्स क्या होती है? पैरेलल होती है, ठीक है। तो ऐसी आकृति क्या बोली जाती है? रोम्बस बोली जाती है, ठीक है। ऐसी आकृति क्या बोली जाती है? रोम्बस बोली जाती है। मतलब अगर देखिए आप, AB की लेंथ कुछ होगी, वही लेंथ किसकी होगी? BC की होगी। वही लेंथ किसकी होगी? CD की होगी। और वही लेंथ किसकी होगी? DA की होगी। बराबर में मान लीजिए कि कितनी है? A है। सबसे पहली बात दोस्त, अगर पूछता है इसमें कि पेरीमीटर क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट, इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप बराबर में क्या हो जाएगा? चारों भुजाएं बराबर है, पेरीमीटर परिमाप पूछता है, तो परिमाप बराबर में क्या हो जाएगा? 4A हो जाएगा। बट इट दूसरा आपका एक एक करके छोटी छोटी प्रॉपर्टीज सीखते हैं रोम्बस के बारे में। देखिए, इसके जो दोनों डायगोनल होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये जो दोनों डायगोनल होते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। समझिए क्यों बराबर, ये क्या बता रहा है? बेसिक प्रॉपर्टी। जैसे इसकी लेंथ आपने क्या मान लिया? D1 मान लिया। और इसकी लेंथ आपने क्या मान लिया? D2 मान लिया। तो D1 does not equal to क्या होता है? D2 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आप, D1 does not equal to क्या होता है? D2 होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, ये जो डायगोनल होता है दोस्त, वो क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। किसका काम करता है ये? एंगल बाइसेक्टर का। अगर मैं एक डायगोनल ड्रा करूँ, सपोज करिए जैसे D2 डायगोनल है, ये जो D2 डायगोनल है, ये BD जो है, ये एंगल बाइसेक्टर होगा। तो मींस मैं इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायगोनल क्या होता है दोस्त? ये वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर होता है। डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होता है, वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? ऐसा क्यों होता है? इसको प्रूव करना चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं हम। देखिए आप कैसे, इसमें सरंग क्षमता लगेगी, ठीक, कॉन्ग्रेंसी से प्रूव हो जाएगा। जैसे दो ट्रायंगल की हम बात करें, ABD की बात करें, और किसकी बात करें? CDA की बात करें, तो क्या AB AD, ये चारों भुजा तो आपस में बराबर है। ये साइड्स आपस में बराबर है, और BD क्या है? कॉमन है। तो दोनों त्रिभुज ट्रिपल एस रूल से दोनों त्रिभुज क्या प्रूव हो गए? सर्वांगसम प्रूव हो गए। जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो गए, तो संगत भुजाएं बराबर होंगी, संगत कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। मीन्स कहने का मतलब, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ठीक है। ये कोण किसके बराबर होगा? इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। दूसरा, चौथा पॉइंट देखिए आप, फोर्थ पॉइंट, जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। D1 परपेंडिकुलर टू क्या होता है? D2 होता है। D1 परपेंडिकुलर टू क्या होता है? D2 होता है। इस बात को कैसे समझिए आप? इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। देखिए, ये एंगल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। और इस बात को आप किस तरीके से समझ सकते हैं? देखिए आप,
ये जो साइड्स होती है, ये जो साइड्स होती है, ये आप मान लीजिए कौन सी साइड है, ए बी है और ये क्या है सी डी है, ये बराबर तो होंगी होंगी, साथ में क्या होंगी पैरेलल भी होंगी क्या। तो कोई भी दो लाइन है, कोई भी एक दो लाइन है, इसका एक आपने लाइन ले लिया इस तरीके से, आप मान लीजिए ये लाइन क्या है ए डी है, ठीक है, इसका एंगल बाई सेक्टर आपने लिया, इसका एंगल बाई सेक्टर लिया, तो क्या होगा। देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच में ये पूरा का पूरा, मान लीजिए कि ये क्या है पूरा का पूरा एंगल ए है, ये पूरा का पूरा एंगल क्या है डी है, और ये पूरा का पूरा एंगल क्या है ए है। अगर आप इनका एंगल बाई सेक्टर लेते हो, आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर में कितना होगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन खींची जाए तो दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अगर आप इनका एंगल बाई सेक्टर लेते हो तो ये एंगल कितना होगा डी बाई टू होगा, और ये भी कितना होगा ए बाई टू। तो दोनों का एंगल बाई सेक्टर ले लीजिए आप, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी 90 डिग्री के बराबर होगी। क्या कितने डिग्री के बराबर होगी 90 डिग्री के बराबर होगी। मींस दोस्त समझिए आप क्या मैं क्या प्रूव कर रहा हूँ कि ये दोनों एंगल का सम कितने डिग्री के बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री हो गया तो ये एंगल कितने डिग्री के बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर हो गया। मीन्स ये जो दोनों डायगोनल होते हैं समचतुर्भुज में, जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, पांचवी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं, फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी। इस पर मैं क्वेश्चन भी करा रहा हूँगा, अभी मैं जैसे ही थ्योरी कंप्लीट करूँगा 2D की तो कुछ PDF फाइल अपडेट कर दूंगा, उससे कुछ क्वेश्चन करेंगे, और जब 3D कंप्लीट कराने के बाद कुछ क्वेश्चन कर रहे होंगे, और एक कंप्लीट 2D और 3D की मेंस लेवल की सीट भी मैं साइट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। देखिए पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, पांचवी प्रॉपर्टी देखते हैं कि दोनों जो डायगोनल होते हैं ना, ये जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बोथ डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर। कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों डायगोनल होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AC डायगोनल है ये BD को दो बराबर भागों में बांट रहा होगा। सपोज करिए ये पॉइंट M है तो BM की लेंथ किसके बराबर होगी MD के बराबर होगी, या AM की लेंथ किसके बराबर होगी CM के बराबर होगी। बात समझ में आ रही है क्या, ये कैसे हुआ एक बार समझते हैं। देखो अगर इस लाइन को आप हटा देते हो और इस साइड को भी आप हटा देते हो तो ये दो पैरेलल लाइन है क्या, AD पैरेलल क्या है BC है, AD पैरेलल क्या है BC है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो अगर ये एंगल क्या है थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा होगा, ये एंगल अगर अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा अल्फा होगा। बात समझ में आ रही है। और ये 90 डिग्री है, ये 90 मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हम प्रूव कर पा रहे हैं समरूप प्रूव कर पा रहे हैं क्या, कौन कौन से त्रिभुज को हम समरूप प्रूव कर पा रहे हैं, AMD को और BMC को, दोनों त्रिभुज क्या हो गए समरूप हो गए। तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा बराबर होगा, मीन्स अल्फा के सामने जो साइड होगी वही इस एंगल में भी अल्फा के सामने उसी रेशियो में होगी, लेंथ उसी रेशियो में, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो BM की लेंथ होगी वही क्या होगी MD की लेंथ हो रही होगी। गॉट इट गाइस, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इनको फिर से मैं बना देता हूँ। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए आप, छठी प्रॉपर्टी देखिए। अच्छा इसका जो एरिया होता है ना, एरिया बराबर में क्या होता है एरिया, समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, वो क्या होता है 1/2 D1 इंटू में कितना होता है D2 होता है, D1 इंटू में कितना होता है D2 के बराबर होता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए आप, नेक्स्ट सातवीं प्रॉपर्टी देखिए कि इनमें रेशियो होता है, अगर डायगोनल दे रखा है तो D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर में क्या होता है 4 टाइम्स ऑफ साइड का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे साइड ऑफ रोम्बस है, ए क्या है यहाँ पे साइड ऑफ रोम्बस है, साइड ऑफ क्या है दोस्त ये रोम्बस है। बात समझ में आ रही है क्या, ये सातवीं प्रॉपर्टी क्या दिखा। अच्छा एरिया कैसे 1/2 D1 इंटू क्या होता है D2 के बराबर होता है, ये कैसे आया आप समझ सकते हैं, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी कैसे आई ये आप बात समझ सकते हैं। देखो आप
ये पूरी लेंथ डी वन है, ये पॉइंट एम पॉइंट क्या होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा, तो ये क्या हो गया डी वन बाई कितना हो गया, टू हो गया। ये पूरी लेंथ कितनी है, डी टू है। ये एम डी की लेंथ कितनी के बराबर हो जाएगी, डी टू बाई टू हो जाएगा। क्या ये एक राइट एंगल ट्रिंगल बनना है, क्या राइट एंगल ट्रिंगल बनना है, ये क्या है साइड ए है। तो यहाँ पे जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे तो क्या होगा, देखिए आप डी वन बाई टू का होल स्क्वायर प्लस में डी टू बाई टू का होल स्क्वायर बराबर में कितना हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कितनी होगी, डी वन स्क्वायर प्लस डी वन स्क्वायर बाई फोर प्लस डी टू स्क्वायर बाई फोर बराबर में कितना हो गया, ए स्क्वायर हो गया। आगे कैलकुलेशन जब आप करोगे आप, तो ये कितना हो गया, देखो आप डी वन का स्क्वायर प्लस में डी टू का स्क्वायर बराबर में कितना हो गया, फोर ए स्क्वायर के बराबर हो गया। व्हाट इट, समझ में आ रही बातें आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में आते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन ये पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई रोम्बस अगर दे रखा है, समचतुर्भुज कोई दे रखा है, जैसे ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है, ए बी सी डी कोई समचतुर्भुज है, तो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से, साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाने से, ये साइड के मिड पॉइंट को आप मिला दिया, ठीक है, समझिए ये क्या है पी क्यू आर और ये क्या है एस है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये जो मिड पॉइंट को मिलाने से जो आकृति बन रही है कैसी होगी, ठीक है, तो ये आकृति किस तरीके से होगी समझते हैं कि ये आकृति किस तरीके से हो रही होगी, ठीक, किस तरीके से आकृति हो रही होगी, इस बात को कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति ये बनने है कैसी आकृति होगी। देखिए दोस्त ये किस तरीके की आकृति होगी, ये BD को हमने डायगोनल 2 माना था, मान लीजिए कि कितना है D2 है, और AC को डायगोनल 1 माना था, ये कितना मान लीजिए आप D1 मान लीजिए, ठीक है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, कई बार मैंने बता दिया मिड पॉइंट थ्योरम त्रिभुज में क्या होता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, और उसकी क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, समझिए आप इस तरीके से। AC ये मिड पॉइंट PS, ये मिड पॉइंट को मिलाने से जो साइड बन रही है AC की क्या होगी, ये पैरेलल होगी, AC के पैरेलल होगी, और इसकी क्या होगी, आधी भी होगी। इसी तरीके से QR जो होगा त्रिभुज ACD में, ये AC की क्या होगी, QR आधी होगी, और इसके क्या होगी, पैरेलल भी होगी। बातें समझ में आ रही है क्या, क्लियर हो रहा है। इसी तरीके से मतलब इसको मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्त, ये जो PS लेंथ है ये क्या है, D1 बाई में कितना है, 2 है क्या, और ये क्या है, ये QR लेंथ है ये भी कितना है, D1 बाई में कितना है, 2 है क्या। इसी तरीके से ये लेंथ कितनी होगी, D2 बाई में कितना होगा, 2 होगा क्या, और ये लेंथ भी कितनी होगी, D2 बाई में कितना होगा, 2 के बराबर होगा। बातें समझ में आ रही है आपको, मतलब दोस्त ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, आमने सामने की भुजा पैरेलल है और बराबर है, ठीक है। तो ऐसी आकृति कौन सी होती है, ऐसी आकृति क्या बोली जाती है, समचतुर्भुज बोली जाती है। तो किसी क्वेश्चन में इस तरीके से पूछा गया हो अगर कि समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से कैसी आकृति बनती है, तो आप क्या बोलोगे, किस तरीके की आकृति क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। आइए आगे मूव करते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देखते हैं, कई बार पूछा जाता है एक क्वेश्चन समचतुर्भुज पे, एक अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझिए। कोई समचतुर्भुज है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त क्या, कि एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वृत्त है, और एक समचतुर्भुज के 3 शीर्ष अगर वृत्त की परिधि पर स्थित हैं और चौथा शीर्ष वृत्त के केंद्र पर स्थित है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है, SSC ने इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है, डिस्कस करते हैं क्या,
कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस किसके बराबर है, ये जो सर्किल है, सर्किल है तो रेडियस होगा, रेडियस कितने के बराबर दे रखा है, 5 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। और इस तरीके से पूछा गया है कि एक समचतुर्भुज जिसके 3 शीर्ष जो हैं कहाँ पे हैं, वृत्त की परिधि पर हैं, और 4था शीर्ष समचतुर्भुज का, रोम्बस का, कहाँ पर, वृत्त के इस सर्किल के सेंटर पर है। तो इस तरीके का जो समचतुर्भुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल कितने के बराबर होगा, एरिया कितने के बराबर होगी। तो समझिए आप, देखिए समचतुर्भुज कुछ इस तरीके का बन रहा होगा, क्या इस तरीके का बन रहा होगा कि 3 शीर्ष क्या हो रहे होंगे, कुछ डायग्राम इस तरीके का अच्छा सा बन रहा होगा, ठीक है, कि समचतुर्भुज के 3 शीर्ष कहाँ पे होंगे, वृत्त की परिधि पर होंगे, और 4था शीर्ष कहाँ होगा, वृत्त के केंद्र पर होगा। तो इस तरीके की जो आकृति बन रही है उसका क्षेत्रफल कितने के बराबर है। एक बात बताइए आप, देखिए ये अगर इसकी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या तो 5 सेंटीमीटर होगा क्या, और समचतुर्भुज है तो चारों भुजाओं की लंबाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया आपसे पूछ रहा है, तो एरिया समचतुर्भुज के एरिया का फार्मूला तो हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी कुछ देर पहले, एरिया का फार्मूला क्या पढ़ा था, 1/2 d1 × में क्या पढ़ा था, d2 पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, हाँ या ना। एक बात बताइए आप, अगर ये सेंटर O है तो अगर आप इसको भी मिला दोगे तो ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्या। तो इस क्वेश्चन को हम बिना समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाए ही, रोम्बस का क्षेत्रफल का फॉर्मूला अप्लाई किए बिना भी हम बता सकते हैं, ये जो रोम्बस बनना है क्या, 2 समबाहु त्रिभुज के को अगर मिला दूं तो 2 ये समबाहु त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज ये हो गया। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि एक जो त्रिभुज है इसकी तीनों भुजाएं कितनी है, 5 5 5 सेंटीमीटर है, और इसकी तीनों भुजाएं कितनी है, 5 5 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, √3/4a² के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है, ए स्क्वायर के बराबर होता है। ए कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया, 2 × √3 में कितना होगा, 4, ए की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5, तो ये कितना हो गया, 25 हो गया, ये कितना के बराबर आ जाएगा, देखो आप 2 हो गया, 25/2 में कितना हो जाएगा, ये ए की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसको आपने 2 से 2 = 2 हो गया, 2 × 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 25 × 25/2 √ कितना हो गया, 3 cm² हो गया। गॉट इट गाइस, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले से ही करना होता तो आप किस तरीके से करते, देखिए आप भुजा समबाहु समचतुर्भुज की भुजा आपको मालूम है, एक डायगोनल मान लीजिए d2 आपको नहीं मालूम है, तो अभी हमने पढ़ा था d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर में क्या पढ़ा था, 4 टाइम्स a² पढ़ा था क्या। देखिए इधर d1 की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये 25 हो गया, d2 नहीं मालूम तो d2 का स्क्वायर बराबर में 4 × a की वैल्यू कितने के बराबर है, a की वैल्यू 5 सेंटीमीटर की, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया, ये d2² बराबर में क्या हो जाएगा, 2500 में से 25 गया, कितना बचेगा, 75 बचेगा क्या, तो d2 की वैल्यू बराबर में क्या हो जाएगा, 5√25 × 75 5√3 हो जाएगा क्या। अगर आप इसी से फॉर्मूले से निकालना चाहें तो एरिया बराबर में कितने के बराबर हो जाएगा, एरिया बराबर 1/2, d1 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और d2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 5√3 cm, तो ये कितना हो गया, 25/2 कितना हो गया, 2√3 cm² हो गया। व्हाट इट गाइस, समझ में आ रहा है आपको, चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे क्वेश्चन और भी कर रहे होंगे, कल के सेशन में हम लोग ट्रेपेजियम पढ़ रहे होंगे, इसके बाद काइट पढ़ रहे होंगे, और इसके बाद 3D स्टार्ट करेंगे। 3D स्टार्ट करने से पहले दोस्त कम से कम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2D के हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एक एक करके, ठीक है, इसके बाद हम लोग 3D स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा दूसरी बात ये है कि मेरा एक मैथ स्पेशल का बैच भी स्टार्ट हो रहा है, कल से ही स्टार्ट हो रहा है बेचू लंका ब्रांच पे। टाइमिंग है उसकी 9:30 से लेकर के 11:00 तक, डेली 1.5 घंटे की क्लासेस होगी वहाँ पे। ये बैच कल से ही स्टार्ट हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर बेचू, IIT बेचू लंका के पास वाराणसी अगर आप रहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, हैव ए नाइस डे।